सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो RBU BEd के लिए आपको अप्लाई करनी है। सो कैसे करेंगे आप अप्लाई, राइट? एलिजिबिलिटी देखनी होती है सबसे पहले, जो प्रोसेस है एलिजिबिलिटी देखनी है, फिर एडमिशन के प्रोसेस कंप्लीट करने होते हैं। सो पहले तो आपको एलिजिबिलिटी जाननी है, देन उसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कैसे करते हैं, फिर क्या करनी होती है, देन उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, और फिर आपका कहाँ पर एडमिट कार्ड आता है, फिर कहाँ पर रिजल्ट आता है, कहाँ पर क्या होता है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, सारे प्रोसेस के जो प्रोसेस होंगे, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे सारे क्लियर हो जाएंगे यू, ठीक है? तो आपको मैं बताता हूँ इस वेबसाइट के थ्रू कैसे करना होता है, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ हाईलाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं, और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी आपको बीएड कोर्सेज को प्रोवाइड करती है 2 साल के लिए, जो 2 साल में आपको कंप्लीट करनी होती है ये कोर्स, ठीक है? तो बीएड का कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करना है जिसका लेंथ है 2 साल का, ठीक है? फॉर एकेडमिक ईयर 2021 to 2022 to 2023 अंडर द फैकल्टी ऑफ आर्ट, ओके? सो एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दी जाएगी, और आपको ऑफिशियली आपको चेक करना होगा, ठीक है? रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी बर्ड्स एडमिशन के लिए कोर्सेज जो ड्यूरेशन से आपको बताया मैंने आपको, ठीक है? तो चलिए आपको बताता हूँ आपका रविंद्रनाथ भारती यूनिवर्सिटी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, ये फुल फॉर्म है आपका एग्ज़ाम का नाम है, ठीक है? ये एग्ज़ाम का टाइप होता है, यूजी लेवल का एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम लेवल जो स्टेट लेवल का होता है। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से रिलीज़ कर दी जाएगी, वो भी ऑफिशियली वेबसाइट पे ही की जाएगी। इसका एग्ज़ाम मोड जो होगा वो ऑफलाइन होगा, ठीक है? ऑफलाइन मोड होगा, 2 घंटे के लिए होगा जो भी है। फिर नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है कि आपको डेट पता होना चाहिए, राइट? कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है कि कब आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म को अवेलेबल किया जाएगा, लास्ट डेट क्या, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन रिलीज़ करने का लास्ट डेट पेमेंट का क्या है, लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का क्या, इंटरव्यू का क्या, PWD कैंडिडेट्स के लिए और कौन से कैंडिडेट्स के लिए, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 1st, 2nd, 3rd कभी रिलीज़ होगी, सबका डेट आप यहाँ पर देखिए, और फिर उस डेट पर ही क्या कीजिएगा, वो इवेंट वो एक्टिविटी करना है आपको, ठीक है? तो उसे चेक करने के तरीके यह सही है। ओके, सबसे पहला जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले भी आपको जानना है कि आपको क्या करना है, एलिजिबिलिटी जाननी है, ठीक है? तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं एकेडमिक प्रोग्राम के लिए बताया गया है कि राइट, ओके। सो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अप्लाई करना है बीएड के लिए, ठीक है? अगर आप यहाँ पर RBU में बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट यहाँ पर 50% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप इनकेस रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करें तो 45% मार्क्स चाहिए रहता है SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है? तो बैचलर्स डिग्री आपने कंप्लीट करनी है, मास्टर डिग्री अगर कहीं से भी आपने किया रहेगा, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन साइंस मैथमेटिक्स विथ 50% मार्क्स रहता है, अगर ये सारे स्पेशलाइजेशन रहते तो जहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है वहाँ पर 55% मार्क्स चाहिए रहता है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% चाहिए रहता है, ठीक है? तो ये अगर इतना अगर आपने सिक्योर किया है मार्क्स और ये सारी चीज़ें हैं तो आप एलिजिबल हो पाएंगे इस प्रोग्राम के लिए, एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है? तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि आपको पहले ही फिल नहीं कर देना, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रजिस्टर कर देना, सबमिट कर देना, पहले आपको एलिजिबिलिटी जाननी चाहिए कि क्या है, क्योंकि आपका बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, जो भी आपने फीस पे किया रहेगा तो वो वेस्ट जाएगा ना, कुछ मतलब नहीं उसका। तो यहाँ पर पहले आप एलिजिबिलिटी देखिए, आपको एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हो रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म उसका फिल कीजिए, और फिर आप ज़रूर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। बट डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे कि आपके परफॉर्मेंस कैसे हैं, क्या पता बहुत सारे लोग 90% ही ला रहे, 70% ही ला रहे, आप 50% पे अटके हुए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ओके? और ये सारी एलिजिबिलिटी थी, ठीक है? तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, और वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन केयरफुली फिल करनी है, देन आपको फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट निकाल लेने, राइट? उसके बाद आपको पेमेंट वगैरह पता ही, ऑनलाइन मोड अवेलेबल रहेगा, वहाँ पे मोड जो है ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें, SMS वगैरह आपको आ जाएगा तुरंत, ठीक? मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो ये आके प्रोसेस कंप्लीट होगी। मतलब क्या होता है, जब आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म हो जाता है सबमिट करके, फिर आपको मेरिट लिस्ट का वेट करनी और वो डेट देखनी कि मेरिट लिस्ट को कभी रिलीज़ किया जाएगा। तो जब भी किया जाएगा वो डेट को देखनी है, फिर मेरिट लिस्ट जब भी रिलीज़ होगी तो उसमें देखनी है आपके नाम आया हुआ है आपका। अगर आपका नाम मेंशन किया गया मेरिट लिस्ट में तो आपको काउंसलिंग के प्रोसेस कंप्लीट करने होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के प्रोसेस होते हैं, उस वेरिफिकेशन में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, उसमें आपके मार्कशीट हो गए आपके। सो यहाँ पर आप